प्रोफेसर वैद्यनाथन हमारे इकोनॉमिक सेल के कन्वेनर गोपाल अग्रवाल, कन्वेनर राजशेखर और उपस्थित सभी सम्माननीय इकोनॉमिक सेल के मेंबर, प्रतिष्ठित चार्टर्ड अकाउंटेंट, इकोनॉमिस्ट, ओपिनियन मेकर भाई और बहन, मुझे ऐसा लगता है कि हमारा देश आर्थिक दृष्टि से अनेक समस्याओं का सामना कर रहा है। अभी इन्फ्लेशन का रेट 18% है और देश में जो इकोनॉमिक पॉलिसी को हमारे सरकार ने स्वीकार किया है उसके परिणाम के स्वरूप ग्रामीण हिंदुस्तान और शहरी हिंदुस्तान इसके बीच में जो गैप है वो निरंतर बढ़ रही है। प्लानिंग कमीशन ने इसके अध्ययन के बाद जो तथ्य सामने आया है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे देश में 50% आबादी ऐसी है जिनका रोज का इनकम प्रतिदिन 20 रूपये प्रति मंथ से कम है और 90% पॉपुलेशन ऐसी है कि जिनका रोज का इनकम $2 से कम है। मुझे बताइए, एक तरफ बड़े शहरों में कुछ विकास दिखता है और दूसरी ओर ग्रामीण, वनवासी और कृषि क्षेत्र में बहुत स्थिति खराब है। 10 लाख से ज्यादा किसानों ने पिछले 4-5 साल में आत्महत्या की है और मुझे लगता है इसे अलार्म सिचुएशन है। करप्शन के बारे में देश में जो कुछ स्थितियां सामने आ रही है वो सामाजिक संवेदनशील जिस मन में हम सब हमारा मन है उसको वो व्यथा पहुंचाने वाली है। 63 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, अनेक गांवों में पीने के लिए पानी नहीं है, गांव में रोड नहीं है, करोड़ों लड़के स्कूल में पढ़ने के लिए जा नहीं सकते, ऐसी हालत है। स्कूल की बिल्डिंग है तो टीचर नहीं है, टीचर है तो बिल्डिंग नहीं है, दोनों है तो विद्यार्थी नहीं है और तीनों है तो पढ़ाई नहीं। जो स्थितियां हमारे हॉस्पिटल्स की है वो भी बहुत अच्छी नहीं, ऐसी हालत है। मुझे काफी ग्रामीण इलाके में काम करने का मौका मिला है और जो कुछ मैंने देखा बहुत कमी है। 2 दिन पूर्व मैं हमारे साउथ पॉइंट पर जहां इंदिरा जी का एक बड़ा स्टेच्यू खड़ा किया है और अंडमान निकोबार निकोबार के आगे, वहां मैं कल था, 2 दिन पहले था और जिस गांव में मैं गया था उस गांव में 80 साल का वृद्ध मिलिट्री का रिटायर्ड मेरे पास आया और मुझे कह रहा था कि मुझे कैंसर हुआ है पर यहां कोई डॉक्टर नहीं है, तो दवाखाने में कोई आता है और मैं अगर अंडमान में जाऊं तो 24 घंटे लगते हैं और जाने का खर्चा जो है वो 2200-2400 रुपए टिकट नाव से जाने के लिए मैं कहां से लाऊं। अब मेरे सामने मरने के सिवा कोई पड़ है, उस व्यक्ति की वेदना को सुनकर उसका मैं समाधान नहीं कर सकता। एक समय हमारे फौज में शामिल होकर अपने देश के लिए जान देने वाले उस व्यक्ति की उस अवस्था को देखकर मेरे मन में यह सवाल पैदा हुआ, जब मैं हेलीकॉप्टर से वहां से आ रहा था अंडमान की तरफ, 2.5 घंटा जर्नी को लगता है, तो मैं सोच रहा था पानी में नीचे देखकर कि ये देश के लिए कुर्बानी देने के लिए व्यक्ति के लिए आज देश में न कोई हॉस्पिटल है, न कोई डॉक्टर है, न कोई स्कूल है और ऐसे स्थिति में हमारे देश में भ्रष्टाचार एक के पीछे एक सामने एक उदाहरण आ रहा है। आपको याद होगा कि कॉमनवेल्थ गेम्स से जब शुरुआत हुई तो उसमें अटल जी की सरकार के समय में सेंट्रल पीडब्ल्यूडी कमेटी थी, उसका मैं चेयरमैन था और पीडब्ल्यूडी के कुछ रिफॉर्म के लिए मैंने किया था, उससे बहुत अधिकारियों को और काफी परिवर्तन हुआ
तो मैं दिल्ली काफी दिनों से आने के बाद मुझे उसके बड़े अधिकारी भी बड़े मुझे मिले और जो जानकारी बात करते करते मुझे समझ में ये एक प्रकार से बहुत बड़ा सहायक है। मैं थोड़ा सा मुझे कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में अनुभव मिला, मैं 4000 करोड़ रुपए कैपिटल मार्केट से मैंने खड़े किए थे और पब्लिक मनी से 8000 करोड़ के काम किए और उस समय एक प्रॉब्लम मेरे सामने आया था और वो प्रॉब्लम यह था कि मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे और फ्लाईओवर के लिए जो टेंडर इशू किए गए थे उसमें टेक्निकल और फाइनेंशियल एबिलिटी के लिए उसका प्री क्वालिफिकेशन था और वो प्री क्वालिफिकेशन में जो कंडीशन डाली थी कि जिस कॉन्ट्रैक्टर ने एक्सप्रेस हाईवे का काम किया है वही प्री क्वालिफाइड है। अब हिंदुस्तान में एक्सप्रेस हाईवे का निर्माण नहीं होता क्योंकि मुंबई पुणे का एक्सप्रेस हाईवे पहला था, तो जब मैंने देखा तो उसमें एक भी इंडियन कॉन्ट्रैक्टर क्वालिफाई नहीं, सब डिस्क्वालीफाई हो गए और सब फॉरेन कॉन्ट्रैक्टर सामने आए। फ्लाईओवर के काम में जो कंडीशन डाली थी उसमें जो मशीनरी का उल्लेख किया था वो इंडिया में थी, तो सब फॉरेन कॉन्ट्रैक्टर सामने आए। तब मेरे जो वहां के एमडी थे मैंने कहा ये काम मैं नहीं करूं, बी इंडियन बाय इंडियन ये मैं समझता हूं और आपकी बात से मैं समझ नहीं हूं, और मैंने फाइल उठाकर उनके सामने कही ये मेरे से नहीं सुना। बोला क्या करना है, आप इंडियन कॉन्ट्रैक्टर्स को काम कर सकते, अगर कोई 5 मंजिल अगर बिल्डिंग बन सकता है तो वो 100 मंजिल बन सकता है, पर आपने बनाई नहीं, किसी कॉर्पोरेशन ने परमिशन ही नहीं दी है तो कैसे बनेगा, और इसलिए परमिशन नहीं थी, देश में किसी को अवसर नहीं मिला और आपने और इसलिए बाद में आपको ताज्जुब होगा कि मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे इसके टेक्निकल नॉर्म्स और फ्लाईओवर के नॉर्म्स मैंने बदल दिए और 70 कॉन्ट्रैक्टर्स प्री क्वालिफाइड इंडियन कॉन्ट्रैक्टर्स, और आपको ताज्जुब होगा कि जो मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे वर्ल्ड स्टैंडर्ड का, कभी आपको देखने का मौका मिला तो जरूर देखिए, मुंबई और पुणे के बीच में 3600 करोड़ का जो टेंडर था जो लोएस्ट आया था वो रिजेक्ट किया हमने रिलायंस का और अपने इंडियन कॉन्ट्रैक्टर्स ने काम किया, गवर्नमेंट की इंडियन का वो काम केवल 1650 करोड़ में हुआ और 2000 करोड़ में प्रदान किया। मैं इसलिए आपको ये बताता हूं कि कॉमनवेल्थ गेम में क्या बदमाशी हुई वो आप फ्लाईओवर 1800 करोड़ की एस्टिमेटेड कॉस्ट 1000 करोड़ में हुए और ये जो टीवी पे आप देखते हैं समुद्र में सीलिंग प्रोजेक्ट, ये मैंने मेरे समय शुरू किया, आधा प्रोजेक्ट पूरा किया और उस ब्रिज के बीच में जो पुल ब्रिज बना हुआ था उसके लिए कॉन्ट्रैक्टर अपॉइंटमेंट था, उसका काम केवल 420 करोड़ रुपए में था, वर्क परमिट दिया था, काम शुरू हुआ डिले के बाद वो 1680 करोड़ रुपए। इसमें इंडियन कॉन्ट्रैक्टर्स काम कर सकते, कॉमनवेल्थ गेम में एक ही वाक्य ने घोटाला किया, इवन ताज कैटरिंग को भी डिस्क्वालीफाई किया गया, उसमें यह लिखा था एक दिमागदार आदमी, मैं समझ सकता हूं कि करप्शन कैसे होता है, एक दिमागदार आदमी ने इसकी एक कंडीशन डाली थी कि जो कंपनी जिसको ओलंपिक या कॉमनवेल्थ गेम का एक्सपीरियंस है वही कंपनी काम लेने के लिए क्वालिफाइड हो। और वो लाली ना लुल्ली कौन था वो मैंने आरोप लगाया था उस समय, आज उसका आया प्रसार भारती लाली शैतान। अब आज उसमें प्रेस वार्ता में मैंने आरोप लगाया था कि इसमें कैसा हुआ, सब इंडियन टेलीविजन कंपनी डिस्क्वालीफाई हो गई, एक फॉरेन कंपनी को काम मिला, 2 दिन में वो इंडियन कंपनी को ट्रांसफर किया, उसके बीच में 132 करोड़ का चूना देश को लगा दिया, अब ये प्रूव हो गया। और आज ये बात जो प्रधानमंत्री ने कमेटी अपॉइंट की थी उसने आज ये सर्टिफाई किया है कि 132 करोड़ रुपए का चूना इस लल्ली ने लगाया और केवल ये प्री क्वालिफिकेशन के नाटक में हो गया। अगर ये इंडियन टीवी वाले काम नहीं कर सकते, क्या भारत में क्रिकेट मैच होती है तो हमारे यहाँ के टीवी वाले काम नहीं कर सकते, अच्छा कर सकते, पर कंडीशन डाली थी कि ओलंपिक का और कॉमनवेल्थ गेम का जिसने किया है काम वही प्री क्वालिफाई होगा, सब प्री क्वालिफाई। ये प्रसार भारती का स्कैंडल, ये कॉन्ट्रैक्टर्स पर क्या हुआ,
ये जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में जो प्लॉट है सफेद वो खरीदी किया गया अमेरिका से, सिलाया गया मेक्सिको में, रोप लाई जर्मनी से, नटबोल्ट लाई स्विट्जरलैंड से, आर्किटेक्ट और कंसल्टेंट ऑस्ट्रेलियन, और जवाहरलाल नेहरू में संडास में जो टाइल्स चिपकाई वो ऑस्ट्रेलियन कामगारों ने, क्योंकि हिंदुस्तानी उसके भी लायक नहीं है, और सामान लाया हवाई जहाज से, और जो स्टेडियम 100 करोड़ में रिपेयर होना चाहिए उस पर 980 करोड़ रुपए खर्चा किए, 980। मुझे तो समझ में नहीं आता कि और ये ऐसे कितने बात मैं आपको बताऊं, उसके लिए बहुत समय नहीं, ऐसे अनेक तथ्य सामने आए, और ये सब काम हुआ इसका एकमात्र कारण कि प्री क्वालिफिकेशन में इकोनॉमिक और टेक्निकल मजबूत कर रखी। अब ये बात का मैं पायोनियर हूं इसलिए मुझे मालूम है, जब भी मेरे ध्यान में कि मुझे घोटाला एक बार में भी एक हुआ, पर ये पॉलिसी अप्रूव्ड बाय फाइनेंशियल कैबिनेट, फाइनेंस एक्सपेंडिचर फाइनेंस कमेटी, उन्होंने कैबिनेट सब कमेटी उन्होंने अप्रूव किया, पीएमओ उन्होंने अप्रूव किया, प्राइम मिनिस्टर ने साइन करके अप्रूव किया, कलमाड़ी तो ठीक है जब किया उसने उसको सजा मिले, तो आप सबने इस नीति को अपने आपका क्या, आप इसके लिए कौन जिम्मेदार है ये बताइए ना, आपको ध्यान में नहीं आया कि चाय पिलाने के लिए कॉमनवेल्थ गेम में लार्ज कैटरिंग ने कोई फॉरेन कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट करिए क्या, जो ज्वाइंट वेंचर होता है तो नेचुरली वो मुनाफा वो पैसे ले जाए, संडास की टाइल्स चिपकाने के लिए क्या दिल्ली में कॉन्ट्रैक्टर नहीं है। मुझे लगता है कि ये बेसिकली जो लूट हुई है कॉमनवेल्थ गेम का 3-4 हजार करोड़ का काम 70 हजार करोड़ का गया, और ये 70 हजार करोड़ का कितना चुना देशवासियों को लगाया, जब देश में पीने के लिए पानी नहीं, बच्चे स्कूल में नहीं जा सकते, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, खेती को पानी मिलता है, तो इस देश का भाग्य बदल जाता। जो कॉमनवेल्थ गेम है वो टू जी स्पेक्ट्रम, अब ये राजा ने पत्र लिखा है वो सामने नहीं है, प्रधानमंत्री को उसे डटाकर उसने पत्र लिखा था, उसका अर्थ ऐसा है जो मैंने निकाला, आप कैसे पूछ रहे हो, ये खाता आपने डीएफओ को आउटसोर्स किया है और इसमें जो तुम्हारे ये ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की कमेटी है इसमें प्राइजिंग का विषय आप कैसे डाल रहे हैं, ये तो हमसे सही हुआ है, ये लक्ष्मी दर्शन का भाग्य क्यों लगते और ये आपका अधिकार नहीं है। और उस पत्र पर प्रधान सेक्रेटरी ने लिखा है दिस इज अगेंस्ट नेशनल इंटरेस्ट, उसके बाद में भी प्रधानमंत्री जी ने उसको अप्रूव किया और ग्रुप ऑफ मिनिस्टर ने प्राइजिंग के विषय को उसमें से ड्रॉप कर दिया। ये अगर उसी समय अगर कह देंगे नो मैं आपको इसमें अलाउ नहीं करूंगा तो ये नौबत नहीं आती, और एक प्रकार से अलायंस पार्टनर को आउटसोर्स किया गया कि जैसे हम यहां खाएंगे तुम यहां खाओ हम यहां और अब कुछ आया, मैं मजाक में मैं चाहिए सौ अगर राजा ये भ्रष्टाचार का प्रतीक है भारत में, पर भारत के रूप में अनेक भ्रष्टाचारी कांग्रेसी उसके साथ शामिल थे जिनका भी संबंध इन सब विषयों के साथ है, और इसमें सब ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स कैबिनेट के मंत्री उस विभाग के उनने समय समय पर दिया हुआ है, तो इसके अभी अभी तो मेरे पास सब फाइल्स ही है, कोई भी आरोप जितने मैंने किए थे वो सब रिकॉर्ड है क्योंकि राइट ऑफ इंफॉर्मेशन में सब जानकारियां मिली, कोई बाहर के आरोप नहीं। और मुझे लगता है कि अब तो जो बोफोर्स के बारे में आया है इतना ही पूछना चाहता हूं, वो लंदन बैंक में पैसे थे तो यहां से सॉलिसिटर जनरल एडिशनल सॉलिसिटर जनरल को लंदन भेजा, कॉटरची को जो पैसे चाहिए थे विड्रॉ करने के लिए उसको एनओसी दिया, नहीं इसमें कोई समझ नहीं करूंगा, इनकी तो बात चल जाती है, इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल ने नहीं किया, वो भी मेरे पास दस्तावेज है, वो भी विषय समाप्त कर रहे थे, वो अकाउंट नंबर है मेरे पास, सब जानकारी आज मैं सब नहीं बताऊंगा, वाटरची के अकाउंट से पैसे किसको गए, वो जो वीन चड्ढा की जो कंपनी है वो कागज कंपनी का नाम और अकाउंट नंबर सब है, हर्ष चड्ढा इसका जो ये है
एंट्रोनिक्स कॉरपोरेशन और इसके मुझे पास अकाउंट नंबर भी है, थोड़े व्यवहार भी आज कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं।